जो मैया समान योजना है इसको आप झारखंड हजारीबाग में हाल में गया जहां के आप युवा प्रभारी भी हैं, वहां जगह जगह ये पोस्टर लगे हुए हजारीबाग में मैया समान योजना को लेकर, क्या लगता है ग्राउंड लेवल पर ये वोट में कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा? अश्विन जी देखिए, राहुल गांधी ने भी एक खटाखट स्कीम लाए थे जिस तरह खटाखट स्कीम आई थी उसी तरह राहुल गांधी खटाखट बाहर हुए थे और हेमंत सोरेन भी राहुल गांधी की दिशा में ही चल रहे हैं, तो उनका भी खटाखट जाना तय है। सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन लगातार चल रहा है, जेएमएम का ये कहना है जब सवाल पूछा गया कहा कि हमने सारी बातें तो मान ली है लेकिन आप लोगों की वजह से ये आंदोलन रुक नहीं रहा है, ये आंदोलन लगातार चल रहा है, जबकि उनका ये दावा है कि हमने तो बातें मान ली है, वो किसके बहकावे में आ गए हैं? बातें तो मुझे आज भी याद है, ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि 2024 में ही चालू हुआ है, 2021 में भी हमारे सहायक पुलिसकर्मी ने, हमारे बहनों ने, हमारे भाइयों ने मोराबादी के मैदान में आंदोलन किया था। बरसात का समय था, वो भींग रहे थे, हमारी बहनें, एक साल के बच्चे, हमारे 3 साल 4 साल की बच्चों के बच्चे बच्चियों के साथ वो आंदोलन कर रही थी और हम लोग वहां उपस्थित थे। सच में आंखों में आंसू आ गया था कि आप लोगों पर ये आरोप लगता है कि साजिश के तहत हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाला, इसलिए अगर वो जेल नहीं गए होते तो नौकरी का वादा पूरा करते और सारा काम करते। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश रची गई, पहले सरकार गिराने की कोशिश हुई और फिर हमें 5 महीने जेल में डाल दिया। 5 महीने जेल में रहे, 4 साल वो कहाँ सो रहे थे मुझे आप बात बताइए। आखिरी 5 महीने में उन्हें याद आया कि आज हमें नौकरी देनी थी और उसके बाद मान लीजिए चलिए जेल चल भी गए, नहीं कर पाए काम, बहुत उनका मन था जनवरी में काम करने का। आखिर मुख्यमंत्री भी तो चंपई सोरेन उन्हीं के थे। आप लोग को चंपई सोरेन से इतना मोहब्बत क्यों आ रहा है, इतना प्यार क्यों आया जब उनको उनका इस्तीफा हुआ? देखिए चंपई दा बहुत पुराने नेता रहे हैं, झारखंड अलग राज्य बनने में उनकी बहुत बड़ी योगदान रही है, माननीय शिबू सोरेन जी के समय से है। चंपई सोरेन सज्जन नेता है, क्या भाजपा उनका स्वागत करेगी? भाजपा मोस्ट वेलकम है, भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से हमें यही बचपन से हमें भी यही सीख दी गई है कि पुरानों को साथ लेके चलो और नए को जोड़ते चलो। अश्विन जी 23 अगस्त का जिक्र हो रहा है, आप लोग 23 अगस्त को ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि हम हेमंत सोरेन सरकार की नींव जो है वो हिला देंगे? 23 अगस्त को सिर्फ भाजपा ही नहीं प्रदेश के जितने युवा हैं वो हेमंत सोरेन से अपना हिसाब मांगने जा रहे हैं। तो क्या लाठी खाने को तैयार है भारतीय युवा मोर्चा? अस्मित सिंह सेठी एक ऐसा नेता रहा है, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पता कर लीजिएगा, जब युवाओं की बात आएगी तो लाठी तो बहुत दूर की बात है, आंसू गैस और तलवारें भी चलेंगी तो अस्मित सिंह सेठी का आपको पीठ नहीं दिखेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। तारीखों का भले ही ऐलान न हुआ हो लेकिन जिस तरीके से चाहे इंडिया हो या एनडीए हो अब एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव जो है वो काफी नजदीक हो। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हजारीबाग के प्रभारी हैं, इसके साथ पूर्व प्रदेश कार्यालय मंत्री भी रह चुके हैं अस्मित सेट्टी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। अस्मित सेट्टी जी ये बताइए, क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है? क्या आप लोग सदमे में हैं? हेमंत सोरेन की जन कल्याणकारी जो योजनाएं लागू हुई हैं, जीएमएम का ये कहना है कि भाजपा वाले बेचैन हैं, सदमे में हैं, मुद्दा नहीं मिल रहा है इसलिए कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हिमांशु जी आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत जोहार और सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आपने हिमांशु जी पूछा कि क्या भाजपा सदमे में है, तो मैं कहता हूँ भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ एक समय में 3 सीटें हुआ करती थी और 300 से 300 पार का आंकड़ा हमने तय किया है, तो हम ऐसी पार्टी है जो 0 से यहाँ तक पहुंची है, तो शायद हमें सदमा उदमा की कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारे में, क्योंकि हमारे हमारे जीवन में हमें तो इतना भी पहुंच गया, इतनी भी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जनता ने हमें प्यार दिया, जनता ने हमें इस जगह पे बैठाया। और जहां तक बात आपने झारखंड की कही, झारखंड में आप देख रहे हैं पिछले 4 साढ़े 4 सालों में जब मैं भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ शाम में बैठता हूं, उनके साथ जब चाय पीने का मुझे अवसर मिलता है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी मुझे ये कहते हैं कि अस्मित ऐसा लग रहा है कि झारखंड फिर से उस संयुक्त बिहार की ओर जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमराया हुआ है, आज व्यापारी बिजनेसमैन खुल के बिजनेस नहीं कर पा रहा है। आज देखिएगा कुछ दिन पहले ही किस तरह एक ज्वेलरी के दुकानदार को दिन दहाड़े हत्या कर दी, हरमू में फल मार्केट में 70,000 रुपए के लिए मात्र एक युवक ने जाके हत्या कर दी व्यापारी की। तो ऐसे माहौल में कैसे
सदमा तो नहीं, आक्रोश जरूर है कि कैसे हमारे जो झारखंड के वासी हैं कैसे यहाँ खुल के व्यापार कर पाए। व्यापारी वर्ग ही नहीं, सहायक पुलिसकर्मी की बात कर लीजिए, पारा शिक्षक की बात कर लीजिए। अस्मी जी मुझ पर आएंगे। मेरा अगला सवाल है वो कि जो मैया सम्मान योजना है, इसको आप झारखंड हजारीबाग में हाल में गया, जहाँ के आप युवा प्रभारी भी हैं, वहां जगह जगह ये पोस्टर लगे हुए हजारीबाग में मैया सम्मान योजना को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि इसका फायदा जेएमएम को मिल भी सकता है अगर हजार रुपए उनके अकाउंट में पहुंचता है, भले ही चुनाव के वक्त ही पहुंचे, बाद में ना मिले तो क्या लगता है ग्राउंड लेवल पर ये वोट में कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा? अश्विन जी देखिए, राहुल गांधी ने भी एक खटाखट स्कीम लाई थी जिसके बारे अब सबको पता है कि वो खटाखट स्कीम कहाँ चली गई है। जिस तरह खटाखट स्कीम आई तो उसी तरह राहुल गांधी खटाखट बाहर हुए थे, और हेमंत सोरेन भी राहुल गांधी की दिशा में ही चल रहे हैं, तो उनका भी खटाखट जाना तय है। लेकिन जहां तक आपने बात कही, अगर आप ग्राउंड लेवल पे उसी बात कीजिएगा, पहले तो उन्होंने कहा कि दिसंबर के बाद आएगा। मुझे आप बात बताइए, कौन जानता है दिसंबर में किसकी सरकार होगी? जो दिशा और दशा तो देख के लग रही है, दिसंबर में तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। लेकिन अगर उसके बाद पता चला कि शायद अक्टूबर नवंबर में वो देने का उनका प्लान है, और जहां आप भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको भी पता चल रहा होगा, हमने भी ग्राउंड में देखा है कि एक माँ जो अभी धान रोपने का समय है, अपना खेती छोड़ के, अपना घर छोड़ के पहले तो जाते हैं उधर रजिस्ट्री करने जाते हैं, तो वहाँ सर्वर डाउन होता है, एक दिन का बेचारे का धान रोपने का नुकसान हो रहा है, आने का खर्चा और जाने का खर्चा अलग, फिर वहां पे मान लीजिए पूरा दिन कोई माँ वहां बैठी हुई है, शाम होते होते रजिस्ट्री तो चलिए हो नहीं रहा रजिस्ट्रेशन, उसके बावजूद वहां बैठ के खाने का उनका पीने का खर्चा आप हजार रुपया देख कर रहे हैं। मुझे तो लगता है हिसाब लगेगा, 2000 रुपया माँ अपना जेब से दे रही है, 1000 रुपए का लॉस है, प्रॉफिट नहीं 1000 रुपए का। आप कह रहे हैं जो टेक्निकल एरर हो रहा है, तो 1000 रुपया मिलेगा, तो एक तो धान रोपनी छोड़ के जा रही है, वहां नुकसान होगा, नुकसान और भाड़ा और फिर आने जाने का, आने का और खाने पीने का वहां खर्चा, आप हिसाब लगाएगा तो माँ अगर 2000 रुपए 1000 रुपए प्रॉफिट नहीं, 1000 का लॉस है इसमें, तो ये तो ठग रही है पूरी। चलिए अश्विन जी, अगला सवाल ये होगा, सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन लगातार चल रहा है, जेएमएम का ये कहना है, जब सवाल पूछा गया कहा कि हमने सारी बातें तो मान ली है, लेकिन आप लोगों की वजह से ये आंदोलन रुक नहीं रहा है, ये आंदोलन लगातार चल रहा है, जबकि उनका ये दावा है कि हमने तो बातें मान ली है, वो किसके बहकावे में आ गए हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए बातें तो मुझे आज भी याद है, ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि 2024 में ही चालू हुआ है, 2021 में भी हमारे सहायक पुलिसकर्मी ने, हमारे बहनों ने, हमारे भाइयों ने मोराबादी के मैदान में आंदोलन किया था। बरसात का समय था, वो भींग रहे थे, हमारी बहनें एक साल के बच्चे, हमारे 3 साल 4 साल की बच्चों के बच्चे बच्चियों के साथ वो आंदोलन कर रही थी, और हम लोग वहां उपस्थित थे। सच में आंखों में आंसू आ गया था कि किस तरह ये सरकार इतनी बेरहम हो सकती है। लेकिन अगर कोई उतरा तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा, 21 और 22 में उतरे थे उनके मदद करने के लिए, वहां उन्हें राशन देते थे, उन्हें खाने का व्यवस्था करते थे, चाय की व्यवस्था करते थे, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था करते थे। लेकिन उस दौरान मुझे आज भी याद है, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी थी, एक व्यक्ति सरकार का नहीं वहां पहुंचा था। मिथिलेश ठाकुर जी गए, उन्होंने भी मौखिक आश्वासन दिया था कि होगा, 2021 से 2024 हो गया। सिर्फ मौखिक नहीं, उनका ये कहना है कि लिखित आश्वासन भी बंधु तिर्की या मिथिलेश ठाकुर में किसी एक ने दिया था। हाँ, तो बंधु तिर्की मुझे बताइए किस पद पे है, बंधु तिर्की क्या कैबिनेट के मंत्री हैं? उनकी लिखित की क्या महत्वता है मुझे बताइए। अगर आज मैं लिखित में दे दूं कि मैं आपको 10000 रुपए दे दूंगा, तो मेरा क्या औकात है आपको देने की? आप कह रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं कैबिनेट में प्रस्ताव ये पास होना चाहिए, ये कैबिनेट में प्रस्ताव पास होकर इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। अगर सरकार की मंशा है ऐसे करने की तो कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आपकी सरकार है, आपके सारे कैबिनेट मंत्री, आपने सचिव पिकल ट्रांसफर पोस्टिंग की, सब कुछ तो आप ही कर रहे हैं, तो फिर आपको कौन रोक रहा है इसको करने को? अगला सवाल ये होगा कि आप लोगों पर ये आरोप लगता है कि साजिश के तहत हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाला, इसलिए अगर वो जेल नहीं गए होते तो नौकरी का वादा पूरा करते और सारा काम करते। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश रची गई, पहले सरकार गिराने की कोशिश हुई और फिर हमें 5 महीने जेल में डाल दिया। वो तो मंच पर जाकर लोगों को यही कह रहे हैं, संपत्ति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप मान लेते हैं कि चलिए वो जेल गए, कब गए? जनवरी के महीने में, 5 महीने जेल में रहे, 4 साल वो कहाँ सो रहे थे? मुझे आप बात बताइए, आखिरी 5 महीने में उन्हें याद आया कि आज हमें नौकरी देनी थी, और उसके बाद मान लीजिए चलिए जेल चल भी गए, नहीं कर पाए काम, बहुत उनका मन था जनवरी में काम करने का, आखिर मुख्यमंत्री भी तो चंपई सोरेन उन्हीं के थे,
मुख्यमंत्री भाजपा के थोड़ी थे, मुख्यमंत्री तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके पुराने नेताओं के पुराने कार्यकर्ता माननीय शिबू सोरेन के समय से चंपई सोरेन थे। तो क्या चंपई सोरेन पास पावर नहीं थी क्या? मतलब या चंपई सोरेन को पपेट मानते थे, यही कारण हो सकता है कि आपको चंपई सोरेन विश्वास नहीं, चंपई सोरेन को पपेट मानते थे। चंपई सोरेन जी के नाम का जिक्र हुआ तो एक सवाल और आ गया दिमाग में, आप लोग को चंपई सोरेन से इतना मोहब्बत क्यों आ रहा है, इतना प्यार क्यों आया जब उनको उनका इस्तीफा हुआ तो आप लोग पूरा चंपई दा के समर्थन में आ गए, उनके साथ गलत हुआ, इतना प्यार क्यों चंपई दा से? देखिए चंपई दा बहुत पुराने नेता रहे हैं, झारखंड अलग राज्य बनने में उनकी बहुत बड़ी योगदान रही है, माननीय शिबू सोरेन जी के समय से है। तो चंपई दा के साथ बहुत छलावा हुआ है, चंपई दा उन्होंने तब साथ दिया जब सरकार टूटने की नौबत आ गई थी, गिरने की नौबत आ गई थी, उन्होंने कमान संभाला। और आप देखिए जैसे ही मुख्यमंत्री जी बाहर आए, तीन दिन भी नहीं वेट किया उन्होंने, दूसरे दिन गए और जाके चंपई दास से इस्तीफा दिलाया और खुद शपथ लिया और आते होर्डिंग बैनर में अपना फोटो चमका दिया। क्या चंपई दा मुख्यमंत्री नहीं थे? उनका होर्डिंग में फोटो नहीं लगना चाहिए था क्या? उन्हें क्या चंपई दा इतने केपेबल नहीं है कि वो और पांच कितना महीना था, और तीन चार और महीना था, क्या चंपई दा इतना केपेबल नहीं है तीन चार महीना और सरकार चला पाए? तो ऐसा जब उनके साथ छलावा हुआ तो सच में कहीं ना कहीं किसी सज्जन व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। तो ऐसा ही नहीं भाजपा को ही, हर व्यक्ति को खराब लगता है जो पॉलिटिक्स में है, जो नेतागिरी में है, वो खराब लगता है कि ऐसे नेता, सज्जन नेता जो इतने पुराने कार्यकर्ता रहे हैं उनके साथ आप ऐसा छलावा कर रहे हैं। चंपई सोरेन सज्जन नेता है, क्या भाजपा उनका स्वागत करेगी? भाजपा मोस्ट वेलकम है, भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से हमें यही बचपन से हमें भी यही सीख दी गई है कि पुरानों को साथ लेके चलो और नए को जोड़ते चलो, विचारधारा का। क्योंकि सियासी गलियारों में खबरें ये भी हैं कि चंपई सोरेन जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन बैकफुट पे चली जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है उनका स्वागत कर सकती है, इस तरह की खबरें हैं सियासी गलियारों में, ये मीडिया के बीच में। क्या चंपई दा आते हैं तो बीजेपी तैयार है, अगर वो बोलते हैं कि हाँ हम तैयार हैं आने के लिए साथ में? देखिए चंपई दा एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उनका निर्णय सर्वोपरि है, सिर्फ चंपई दा ही नहीं, आप लोबिन हेमरूम देख लीजिए, वो भी सरकार के कामों से कभी खुश नहीं रहे, हमेशा उन्होंने विरोध किया है सरकार का कि जहां जहां गलत है, और सरकार उन कमियों को दूर नहीं कर रही है लेकिन सरकार और उन्हें डिमोटिवेट कर रही है, लोबिन हेमरूम जैसे पुराने नेताओं को। तो अब मान लीजिए जो आपका पुराने नेता है, पुराने कार्यकर्ता है, आप उनको सम्मान नहीं दीजिएगा, आखिर चंपई दा और लोबिन हेमरूम जी, अश्विन जी छोड़ो आपको इंटरफेयर करेंगे, लोबिन हेमरूम ने तो आपका समर्थन कर दिया, उन्होंने एक स्वीकार किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, और जिस तरह से वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लग रहा है कि आपसे वो नजदीकी नजदीक आना चाहते हैं। हमारे नजदीक नहीं है लोबिन हेमरूम जी, लोबिन हेमरूम जी को झारखंड के प्रति दर्द है और दर्द भारतीय जनता पार्टी को भी है और हम प्रदेशवासियों को भी है। हम नहीं चाहते हैं कि झारखंड का जो हाल है बंगाल जैसा बन जाए, एक समय ऐसा ना हो कि बांग्लादेशी आप ज्यादा पाएंगे और झारखंडी आप कम पाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से डेमोग्राफी बदल रहा है, मैं कुछ दिन पहले जामताड़ा में था, वहां पे आप देखिएगा बांग्लादेशी ने वहां हमारी एसटी बहनों के साथ शादी करके वहां की जमीन हथियाने का प्रयास किया है। तो ऐसा जो स्थिति उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति लोबिन जी को दर्द है ज्यादा, ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथ हमारा उनका क्या तालमेल है, ऐसा नहीं है, वो पुराने नेता है, उनको दर्द है, वो अपनी दर्द का आवाज उठाते हैं। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र किया, इस पर जेएमएम कांग्रेस नेता का कहना है कि मुद्दा विहीन है, इससे सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। जब भी उनसे सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, बोला कि नहीं बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं, क्या जवाब दीजिएगा उनको? मुद्दाहीन आप जांच करवाइए, अगर मुद्दाहीन है तो आपके पास सरकार, आपके सारे अधिकारी हैं। हेमंत सोरेन ने तो आंसर में स्वीकार भी किया, सदन में स्वीकार किया है कि हाँ हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठ। हाँ तो जब आपने स्वीकार किया फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग दिशाहीन कर रहे हैं आपको? आप ही स्वीकार कर रहे हैं, आपके पास पूरी एजेंसी की टीम है, आपके पास आपके पूरे पुलिस प्रशासन है आपके पास, आप जांच करवाइए, आप जांच करवाइए, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है तो आप जांच करवा के उनको ठीक कीजिए, ऐसी अपना कुछ फॉर्मूला निकाल के कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जाए। अश्विन जी 23 अगस्त का जिक्र हो रहा है, आप लोग 23 अगस्त को ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि आप लोग करें कि हम हेमंत सोरेन सरकार की नींव जो है वो हिला देंगे? 23 अगस्त को सिर्फ भाजपा ही नहीं, प्रदेश के जितने युवा है वो हेमंत सोरेन से अपना हिसाब मांगने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने जो पैसा हमसे उधारी लिया है, हम उस पैसा उधारी को वापस लेना चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन ने हमें वादा किया था कि हम आपको 5 लाख रुपया 5 लाख युवाओं को प्रति साल रोजगारी देंगे, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड का है, अखबारों में भी है, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया वायरल हो रहा है।
कि अब मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, तो मैं मानता हूं कि अगर वो आंदोलनकारी शिबू सोरेन के बेटे हैं जो कहते थे पत्थर की लकीर, शिबू सोरेन वैसे नेता थे, अगर वो शिबू सोरेन के बेटे हैं तो हेमंत सोरेन जी को अपनी बातों पे खड़ा उतरना चाहिए। आप नहीं दे पाए रोजगार 5 लाख, आप राजनीतिक संन्यास ले लीजिए, वो तो आप चलिए नहीं लीजिएगा, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर रोजगार नहीं दे पाए तो 5,000 रुपया प्रति महीना हम रोजगारी भत्ता देंगे ग्रेजुएट को और 7,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट को देंगे। 5,000 का अगर आप हिसाब लीजिएगा तो 5,000 × 12 60,000 होता है, 60,000 × और 5 साल आप कीजिएगा तो मैं एक मिनट कर लेता हूँ, थोड़ा मेरा मैथ्स वीक है, 60,000 × 12 कीजिएगा 7,20,000 होता है, तो 7,20,000 रुपया आपको प्रति युवा को वापस करना है। अब मैं हेमंत सोरेन को 23 तारीख को यही पूछने जाऊंगा कि आप 7,20,000 रुपया कब वापस कीजिएगा जो आपने हमसे उधार लिया है, और 7,20,000 रुपये देखिए आप भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं किसी को अगर 2 लाख रुपया भी दूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई कब वापस करोगे, बैंक में रखते तो इतना ब्याज आता, तो मैं तो ये भी आग्रह करूंगा युवाओं से 7,20,000 रुपये अपना ब्याज भी आप मांगिए पर मंथ, अगर पर साल 12-13% जो ब्याज होता है ब्याज के साथ 7,20,000 रुपये अपना मांगिए। मैं भी आपके साथ, हम सब भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारे विधायक सांसद, तो 23 तारीख को माननीय हेमंत सोरेन जी से अपना पैसा मांगने जा रहे हैं। अस्मित जी, क्या आपके साथ विधायक सांसद भी उस रैली में सब रहेंगे, उस घेराव में हो रहेंगे? पूरे झारखंड के भाजपा के जितने विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, सब उस रैली को लीड करेंगे, हम लोग फ्रंट में रहेंगे, युवा पीछे रहेंगे, अगर लाठी चलेगी तो पहले हम लोग। मेरा सवाल वही था, सहायक पुलिस कर्मी पर लाठीचार्ज हुआ, 40 से 50 की संख्या रिम्स में भर्ती थे, बाकी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, तो क्या लाठी खाने को तैयार है भारतीय युवा मोर्चा? अस्मित सिंह सेठी एक ऐसा नेता रहा है, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पता कर लीजिएगा, एक ऐसा नेता रहा है जो मैं भगत सिंह को अपना आइडल मानता हूँ, 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने उस फांसी के फंदे को चूम लिया था, तो जब युवाओं की बात आएगी तो लाठी तो बहुत दूर की बात है, आंसू गैस और तलवारें भी चलेंगी तो अस्मित सिंह सेठी का आपको पीठ नहीं दिखेगा, हम हमेशा आगे खड़े रहेंगे। पहले भी प्रोजेक्ट भवन में आंदोलन हुआ है, मुझ पर लाठियां चलाई गई, मैं अस्पताल में भर्ती रहा लेकिन मेरे जज्बे में कभी कमी नहीं आई, पहले भी विधानसभा में आंदोलन किया, मुझ पर हेमंत सोरेन ने केस किया, मेरे जज्बे में कमी नहीं आई, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि कैसे अंदर चल जाए, लेकिन मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास था, न्यायालय ने हमें बेल दिया, उसके लिए मैं न्यायालय का धन्यवाद करूंगा, और आने वाले समय भी 23 अगस्त को भी आप देख लीजिएगा, युवा शायद हमारे पीछे रहे लेकिन हम आगे रहेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। तो चलिए, हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के इस वक्त हजारीबाग के प्रभारी हैं, पूर्व प्रदेश कार्यालय मंत्री रह चुके हैं, उनसे हमने तमाम जो इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा है, जो सवाल हैं, हमने बातचीत की। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।